Children, today we are starting political parties in India. There are various political parties in India. हमारे जो political parties हैं India में वो काफ़ी ज़्यादा हैं. Some of them are big with a large following while others are small. अब कई बहुत बड़ी political parties हैं जिनकी बहुत ज़्यादा following है और कई छोटी political parties हैं जिनकी छोटी following है. Some of them are present in most parts of the country and so they are called national parties. अब कई political parties ऐसी हैं जो कई सारी parts of the country में हैं तो उनको national parties बोला जाता है. और कई political parties ऐसी हैं जो सिर्फ certain regions को belong करती हैं और इसीलिए उनको बोला जाता है state या regional politics. पोलिटिकल पार्टीज ओके, या तो स्टेट रीजनल पार्टीज या तो नेशनल पार्टीज होती हैं. दो ही तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इंडिया में. नाउ वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट नेशनल पार्टीज. अ नेशनल पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ इट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कब बुलाई जाएगी? तब बुलाई जाएगी जब वो कोई याली कंडीशंस को फॉलो करे. द फर्स्ट कंडीशन इज द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी इन एनी फोर और मोर स्टेट्स एट द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा और टू द असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्नड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन ईच ऑफ द स्टेट्स एट द जनरल इलेक्शंस and at least 4 of them have been elected to the Lok Sabha from any state. Now, as it is a one condition and a one line only, इसमें कोई full stop है नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा. अब जो candidates put करे जाते हैं किसी party से, चार या और states में पिछले general elections में, पिछले जनरल इलेक्शंस किसके लिए? लोकसभा या असेंबली के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट्स के स्टेट से. और उस इलेक्शंस में उन्होंने एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स गेन करे हों इन ईच ऑफ द स्टेट्स एट द जनरल इलेक्शंस एंड एटलीस्ट 4 ऑफ देम have been elected to the Lok Sabha from any states. So, अब अगर एक political party अपने candidates put करेगी चार या more states में पिछले general elections में of Lok Sabha and the state assembly of the उस particular state की, मतलब Lok Sabha में भी होने चाहिए और या तो फिर असेंबली में हो उस स्टेट की, ऑफ द स्टेट कंसर्न. और स्टेट्स कितनी थी? चार या उससे ज़्यादा. और उस इलेक्शंस में उन्होंने एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स गेन करे हो स्टेट लेवल पर एट द जनरल इलेक्शंस या लोकसभा में करे हो एटलीस्ट 4 ऑफ देम, मतलब चार लोग, चार कैंडिडेट्स लोकसभा में इलेक्ट करे गए हों फ्रॉम एनी स्टेट्स. सो इस कंडीशन में भी दो कंडीशंस हैं. एक कंडीशन आती है लोकसभा के लिए और एक आती है असेंबली ऑफ द स्टेट के लिए. ओके, लोकसभा में अगर हो तो या 4 ऑफ देम इलेक्ट करे गए हों लोकसभा के लिए. ओके, अगर स्टेट असेंबली में करे हो गए हो तो वो 6% ऑफ द वैलिड वोट्स उन्होंने गेन करे हो ईच स्टेट में से. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन और इसको आपको याद करना पड़ेगा. चाहे आप इसको ब्रेक कर लो लोकसभा और असेंबली के लिए, चाहे आप इसको आप ऐसे याद कर लो. नाउ वी विल डू द सेकेंड पॉइंट. एट द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा the party has won at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha and the party's candidates have been elected to the Lok Sabha from at least 3 states. अब जो last general elections हुए थे Lok Sabha के लिए उसमें से उस party को at least 2%
परसेंट वोट्स, 2% सीट्स चाहिए लोकसभा में, और फिर उसी पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्ट करे गए हो लोकसभा के लिए कर, मतलब मिनिमम 3 स्टेट्स में से, मतलब अगर 3 स्टेट्स में से उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में इलेक्ट करे गए हो, और लास्ट जनरल इलेक्शंस में लोकसभा के लिए उसी पार्टी ने एटलीस्ट 2% सीट्स गेन करी हो लोकसभा में. ओके, सो अगेन कंडीशंस के अंदर भी कंडीशंस हैं, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा. ओके, तब वी हैव डन एटलीस्ट टू कंडीशंस. और ध्यान रखना, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी के लिए फुलफिल करने के लिए कंडीशन, उसको एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब कोई भी एक वो कंडीशन को फुलफिल कर सकती है, नहीं कि उसको तीनों करनी है, वो कोई भी एक कर सकती है. ओके, द थर्ड कंडीशन इज द पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, मतलब वो पार्टी स्टेट पार्टी रिकग्नाइज कर दी जाए एटलीस्ट 4 स्टेट्स में. द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, द बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी आर दी 6 नेशनल पार्टीज करंटली रिकग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन. ये कुछ पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज रिकग्नाइज करी गई हैं बाय दी इलेक्शन कमीशन. ओके, सो हमने ये 3 conditions देखी, एंड वी हैव सीन दैट दिस कंडीशन इज ईजी फॉर यू टू लर्न, बिकॉज इसमें सिर्फ बेसिकली कंडीशन तो यही है, बाकी ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो द पार्टी इज रिकग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स. सो वी विल डू नेशनल पार्टीज टिल हेयर ओनली. ओके, वी विल स्टार्ट विद द स्टेट पार्टीज इन द नेक्स्ट वीडियो.